गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमने यूनिट थर्ड शुरू करी है। और यूनिट थर्ड का जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, केंद्रीय बलों के अधीन गति। इसके अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में गुरुत्वीय विभव निकाला था किसी गोलीय कोश के कारण और ठोस गोले के कारण। आज हम एक नया टॉपिक इसमें पढ़ेंगे जिसका नाम है गुरुत्वीय स्व ऊर्जा, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो पहले तो इसकी परिभाषा क्या है वो समझ लेते हैं। किसी पिंड की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि पिंड के अल्पांशों को एकत्रित करने में किया जाता है, जबकि ये अल्पांश प्रारंभ में एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित माने जाएं। इस प्रकार से यह किसी पिंड के कुल निहित द्रव्यमान की ऊर्जा होती है, यानी ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल द पार्ट इन वेरी इन्फिनिटेसिमल पार्टिकल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट सो दैट ऑल द पार्टिकल्स असेंबल टू मेक दैट बॉडी। और वी कैन से दैट द एनर्जी इज कंटेन्ड इन अ बॉडी अकॉर्डिंग टू इट्स मास। तो गुरुत्वीय स्व ऊर्जा का अगर हम आसान शब्दों में उसका मतलब समझें तो क्या होता है कि कोई अगर जैसे कोई एक पिंड है, उस पिंड के हम असंख्य छोटे छोटे टुकड़े कर दें, अल्पांश कर दें, और ये मान लें कि अल्पांश जो हैं वो सारे छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो अनंत दूरी पर रखे हुए हैं, और हम उन सभी पार्टिकल्स को उठा के लेकर आते हैं और उन सबको जोड़ के वो एक बड़ा पिंड बना देते हैं। तो उस पिंड को बनाने के लिए हमें जितनी ऊर्जा या जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा या हमारी जो ऊर्जा खर्च होती है उस कार्य को करने के लिए, वो उसी पिंड के अंदर निहित हो जाता है और उसको उस पिंड की स्व ऊर्जा कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम मिट्टी के छोटे छोटे लड्डू बनाए, तो हमने क्या करा, मिट्टी जो है वो बिखरी हुई है, उसको हमने बार बार उठाया, उठा के और हम उसको जोड़ते चले गए और एक हमारा बड़ा सा ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, एक बड़ा सा लड्डू बन गया। तो ये एक बारी में नहीं बनता, हम थोड़े थोड़े थोड़ी थोड़ी मिट्टी को उसके ऊपर चिपकाते जाते और बड़ा सारा फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस सारे फॉर्मेशन को बनाने के लिए हमारे को जितनी हमारी ऊर्जा खर्च होती है वो सारी की सारी ऊर्जा उस छोटे से पिंड के अंदर समाहित हो जाती है और वो उसकी ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी कहती है। अब ये ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी हम यहाँ पढ़ क्यों रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके पीछे ही हमारे सारे जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उन सब का जो फॉर्मेशन हुआ है, उन सारों के अंदर जो ऊर्जा निहित है वो सारी इस सेल्फ एनर्जी के कारण ही है। क्योंकि सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, जो भी आपके पिंड जो भी हमारे यूनिवर्स में हैं, वो सभी इसी एनर्जी का या इसी रूप को फॉलो करते हुए ही बने हैं। आज हम इसके अंदर इस चीज को समझने के लिए हम क्या लेंगे, हम निकालेंगे किसी एक समान ठोस गोले की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो हमारे को एक्चुअल में क्या चीज दी हुई है, हमें एक एम द्रव्यमान का एक ठोस गोला है और उसकी त्रिज्या जो है वो आर है, यानी उसका मास तो एम हो गया, कैपिटल एम है, और उसका रेडियस कैपिटल आर है। अब हमारे को उसके अंदर जो निहित ऊर्जा है या उसकी स्व ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम वो कैसे निकालेंगे। हम ये मान लेते हैं कि ये जो पिंड बना है ये बहुत सारे कणों से मिलकर बना है जो अनंत से ले लेकर आए
और इससे चिपक इसके ऊपर चिपकाते चले गए, और फिर बाद में ये बहुत बड़ा सारा गोला बन गया, आर त्रिज्या का गोला बन गया। तो इस चीज को स्व ऊर्जा निकालने के लिए हम एक बार ये मान लेते हैं कि पहले प्रारंभ में हमारे पास एक छोटा सा सॉलिड स्फीयर था जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर थी। ठीक है, ये हमने प्रारंभ में मान लिया कि एक छोटा सा गोला था, बहुत छोटा सा एक गोला था जिसकी त्रिज्या या रेडियस स्मॉल आर है, और इसको हमने नाम दे दिया कोर। ये हमारा कोर हो गया। अब इस कोर के ऊपर बिल्कुल जैसे हम किसी मिट्टी के उसको लड्डू को बनाते हैं तो हम हर बार मिट्टी चिपकाते चले जाते हैं, वैसे ही हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, इस छोटे से कोर के ऊपर धीरे धीरे कणों को चिपकाते चले जा रहे हैं, और धीरे धीरे वो गोला जो है वो बड़ा होके कैपिटल आर त्रिज्या का एक पूर्ण गोला बन जाता है। कुछ ये घटना हम कर रहे हैं। तो इसमें स्व ऊर्जा हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लेते हैं। तो प्रारंभ में हमने जो गोला लिया है वो स्मॉल आर त्रिज्या का गोला है, और हम ये मान लेते हैं जो उसका घनत्व है या डेंसिटी है वो हमारी रो से दी जाती है। तो प्रारंभ में जो आंतरिक गोलीय कोर है जो उसका द्रव्यमान हम सबसे पहले निकालेंगे, उसका द्रव्यमान क्या होगा, हमें मालूम है द्रव्यमान जो होता है वो आयतन इंटू घनत्व होता है। तो आयतन तो हो गया 4/3 πr³ और घनत्व हो गया रो। तो ये हमारे आंतरिक गोलीय कोर जो है, इंटरनल स्फेरिकल कोर जो है, उसका मास आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, हम एक लेयर चिपकाएंगे फिर दूसरी लेयर चिपकाएंगे। तो पहले हम ये सपोज करते हैं कि मान लो पहली बार जो लेयर चिपकाई गई है उसकी जो थिकनेस है वो dr है। ठीक है, तो एक प्रकार से अगर हम चित्र के हिसाब से देखें तो एक गोलीय कोश है जिसकी मोटाई dr है, उसको हमने इस गोले के ऊपर चिपका दिया। तो सबसे पहले हम इस गोलीय कोश का द्रव्यमान निकालेंगे। तो गोलीय कोश का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। इसका द्रव्यमान निकालने के लिए हमारे को एक तो उसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए, उसकी मोटाई पता होनी चाहिए, और घनत्व। तो घनत्व हमने तो समान कण ही लिया है इसलिए घनत्व इसका रो ही होगा। मोटाई हमने सपोज कर ली है कि dr होगी, और इसका जो सरफेस एरिया होगा जिस पर ये चिपकाया जा रहा है वो क्या होगा, 4πr² होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, गोलीय कोश का द्रव्यमान सतह का क्षेत्रफल इंटू मोटाई इंटू घनत्व होगा। तो सतह का क्षेत्रफल हो गया 4πr², मोटाई हो गई dr, और घनत्व हो गया रो। तो ये हमारा जो गोलीय कोश हमने इस गोले के ऊपर चिपकाया है उसका द्रव्यमान हमारे पास आ गया। अतः इस अतिरिक्त द्रव्यमान के एकत्र होने से कोर की स्व ऊर्जा या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन du है। हमने क्या मान लिया कि जब हमने इस गोलीय कोश को उस गोले के ऊपर चिपकाया तो उसकी स्व ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा में एक परिवर्तन उत्पन्न हुआ, और उस परिवर्तन को हमने dUs से रिप्रेजेंट करा है। तो dUs वास्तव में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है किसी भी कोर का गुरुत्वीय विभव इंटू अतिरिक्त द्रव्यमान। जो भी एक्स्ट्रा मास उसके ऊपर चिपकाया जाता है उसको अगर हम गुरुत्वीय विभव से गुणा कर देंगे तो हमारी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अब सबसे पहले कोर का गुरुत्वीय विभव निकालते हैं। तो हमने ठोस गोले का गुरुत्वीय विभव पूर्व में इससे पहले वाले लेक्चर में हम निकाल चुके हैं, हम उसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या था, -gm/r, जहाँ m तो मास था उसका गोले का और r उसकी त्रिज्या थी। तो यहाँ पे हमने जो कोर जो लिया है उसका मास हम पहले ही निकाल चुके हैं, 4/3 πr³ रो। तो यहाँ लिख देंगे -g/4/3 πr³ रो, और इसकी त्रिज्या स्मॉल r है तो बटे में आर लिख दिया। साथ ही साथ हमें लिखना है इनटू अतिरिक्त द्रव्यमान। अब अतिरिक्त द्रव्यमान तो वही गोलीय कोश का द्रव्यमान है जो उसके ऊपर चिपकाया गया, वो भी हम निकाल चुके हैं। वो कितना है, 4πr² dr ρ। अब ये तो हमने स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाला है जब हमने एक छोटा सा गोलीय कोश उस गोर के ऊपर चिपकाया है। अब ऐसे ही हम असंख्य गोलीय कोश इसके ऊपर चिपकाते जाएंगे जब तक कि इस गोले की त्रिज्या स्मॉल आर से कैपिटल आर बढ़कर ना हो जाए।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे को ये जो स्थितिज ऊर्जा में कुल परिवर्तन है उसको निकालने के लिए हमें ये जो समीकरण एक में दिखाई गई टर्म है इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे? इंटीग्रेशन देखो, अब अगर हम यहाँ से इस चित्र के हिसाब से देखें तो हम कहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे? आर से, स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन वास्तव में हम क्या निकालना चाह रहे हैं? हम तो ये निकालना चाह रहे हैं कि जब जीरो से शुरू होके ये गोला, जीरो से शुरू होके आर त्रिज्या का गोला बना, तो हमने तो यहाँ पर अभी अध्ययन करने के लिए स्मॉल आर तो पहले से ही ले लिया था, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का क्या होगा? ये भी तो इकट्ठा होके एक गोला बना है। तो इसके लिए इंटीग्रेशन में आप ध्यान रखेंगे कि इंटीग्रेशन हम जीरो से लेकर कैपिटल आर तक करेंगे, जिससे हमारे पोटेंशियल एनर्जी जो निकलेगी वो जब गोला जीरो से कैपिटल आर त्रिज्या का बना तब तक स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ वो ज्ञात हो सके। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो कि हमारे ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी फाइंड आउट कर देगा। तो क्या हो जाएगा अगर इंटीग्रेशन करेंगे डीयू एस का जीरो से आर तक? तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बन जाएगी यूएस, और उसका इंटीग्रेशन जीरो टू आर करेंगे। तो जीरो टू आर करेंगे तो बाकी तो सब राशियां कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएंगी, केवल स्मॉल आर 4 dr का इंटीग्रेशन होगा और लिमिट्स हम लगा देंगे। तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा? -16/15 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर कैपिटल आर 5 × g। ये हमने क्या निकाल लिया? ये हमने गोले की स्व ऊर्जा ज्ञात कर ली। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे जिससे कि हम इसके अंदर नोन वैल्यूज जो हमारी पहले से ज्ञात मान है उनको हम रख सकें। तो हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, देखिए मैंने 3/5 g को बाहर निकाल लिया और जो बाकी की सारी टर्म्स है उसको हमने इसके अंदर हम 3/5 को बाहर निकाल लेते हैं और आपका ये बाकी टर्म को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, R6 जो है वो बना लिया, R5 का R6 बना लिया, तो इसमें R से ऊपर नीचे गुणा कर लिया। पाई स्क्वायर ऐसे ही है, रो स्क्वायर है ही, है ना, और ये हो गया हमारा 16/9, हमने फॉर्म बना लिया। अब ये सारी चीज हमने क्यों बनाई? क्योंकि अगर हम इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में देखें तो ये हम लिख सकते हैं 4/3 πr³ और रो का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये सारी चीज भी हमने क्यों करा? क्योंकि हमें मालूम है 4π/3 r³ रो जो है वो कैपिटल एम है, तो हमारे पास अगर हम इस वैल्यू को कैपिटल एम रख देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा यूएस बराबर -3/5 g m² / r, जहाँ माइनस साइन आ रहा है यहाँ पर। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि गोले के निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत ऊर्जा निष्कासित होती है, ठीक है। तो जब भी ये गोला बनता है तो इतनी एनर्जी हमारी रिलीज होती है उसके फॉर्मेशन के दौरान। और इसी सिद्धांत को मानते हुए, इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम किसी भी तारे की, सूर्य की, किसी भी ग्रह की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी टेक्निक है हमारे मैकेनिकल। अब इसके अंदर हम एक दो चीजें और पढ़ेंगे, ये थोड़े बहुत हम इसकी जानकारी रखते हैं, गॉज़स इक्वेशन और पॉइजन इक्वेशन, गॉज़ की समीकरण और पॉइसा की समीकरण। तो गॉज़ इक्वेशन हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम गुरुत्वीय बल के संदर्भ में या गुरुत्वीय क्षेत्र के संदर्भ में हम इस चीज को का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे को पढ़ना क्या है, गॉस इक्वेशन पढ़नी है और पॉइजन इक्वेशन पढ़नी है। तो ये दोनों इक्वेशंस कैसे आती हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमने एक m मास ले लिया
है ना, ये इरेगुलर कोई भी एक मास ले लिया है उसका, और उसमें हम क्या करते हैं, एक क्लोज्ड सरफेस हम सपोज कर रहे हैं। तो इस पृष्ठ के किसी अल्पांश पी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं। तो हम क्या, यहाँ पर ये जो पी बिंदु है, ये एक छोटा सा हमने एक सरफेस का स्मॉल एलिमेंट ले लिया, और यहाँ पर हम तीव्रता निकाल रहे हैं। तो तीव्रता का सूत्र हमें मालूम होता है, ई जी बराबर माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब ये जो अल्पांश हमने सपोज किया है, इस अल्पांश, ये क्षेत्रीय अल्पांश है, और इस क्षेत्रीय अल्पांश को हम डीए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मान लेते हैं, देखो डीए जो क्षेत्रीय अल्पांश होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये डीए, ये हो गई हमारी। तो डीए और ईजी के बीच में मान लो जो एंगल है उसको हम सपोज कर लेते हैं थीटा है। तो अल्पांश के अभिलंब की दिशा में ईजी का घटक जो अगर हम निकालना चाहें, किसकी दिशा में, डीए की दिशा में, तो वो क्या हो जाएगा, वो इसका घटक जो है उसको, घटक को हम ई एन लिख लेते हैं। और वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में और थीटा भी इधर है, तो कॉस वाला घटक होगा, तो माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिए, ये केवल हम घटक ही लिख रहे हैं, हम ये वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे, हम उसका केवल कंपोनेंट लिख रहे हैं। तो ये कंपोनेंट हमारा निकल गया, और ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, हमारा डीए की डायरेक्शन में है। तो अब हम इसके अंदर से किसी भी, ये जो क्षेत्रफल अल्पांश हमने माना है, इसमें से निर्गत गुरुत्वीय फ्लक्स का मान निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फ्लक्स का मान निकालते हैं। तो ग्रेविटेशनल फ्लक्स का मान हमने पढ़ रखा है ईजी डॉट डीए होता है। तो कोई भी फ्लक्स जो होता है वो इंटेंसिटी इंटू क्षेत्रफल अल्पांश के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हम ई जी डॉट डी ए लिख लेते हैं। ई जी डॉट डी ए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ई जी डी ए कॉस थीटा हो जाएगी। ई जी डी ए कॉस थीटा है, तो ई जी डी डी ए को छोड़ दो, ई जी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ई एन, तो ई एन डी ए हो गया। ई एन का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं, वो प्लेस कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या होता है, ये बिंदु ओ पर क्षेत्रफल अल्पांश द्वारा बनाया गया घन कोण होता है, डी ओमेगा होता है। तो एक्चुअल में क्या है, जैसे यो ये एक क्षेत्रफल अल्पांश आपने ये ले लिया, और इससे हमने किसके ऊपर बनाया है, बिंदु ओ पर, बिंदु ओ मान लो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का ऐसे बनता है, 3D जो एंगल बनता है वो ये बनता है, ये एंगल है, और ये जो बना है ये हमारा डी ओमेगा कहलाता है, ये डी ओमेगा होगा, 3D एंगल होता है, सॉलिड एंगल होता है। तो इसकी जगह हम डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह डी ओमेगा लिख सकते हैं, तो माइनस जी एम अपॉन डी ओमेगा आपके पास आ गया। अब हमारे को, ये तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाला है, अगर हम पूरी सरफेस के लिए निकाले तो हमारे को पूरे सरफेस कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 4 पाई। तो टोटल जो गुरुत्वीय फ्लक्स का मान है वो इसके इंटीग्रेशन से निकलेगा, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन जो है वो 4 पाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -4 पाई जी एम आ गया। अगर हम इसके अंदर ये मान लें कि ये जो द्रव्यमान एक बंद पृष्ठ में वितरित है, उसका जो आयतन घनत्व है वो अगर रो है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, मास को हम रो डीवी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन जो है रो डीवी लिख लिया। अब इसके अंदर देखिए, इधर क्या है, इधर सरफेस इंटीग्रेशन है, इधर वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, -4 पाई जी वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी आ गया। तो ये हमारी जो इक्वेशन आई है, ये जो है ये तो फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, फ्लक्स किसके बराबर हो गया, -4 पाई जी और इंटीग्रेशन रो डी वी। तो ये क्या चीज है, ये हमारे गॉस का नियम कहलाता है। गॉस का नियम क्या कहता है, कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल गुरुत्वीय फ्लक्स का जो मान है
वो -4 पाई जी टाइम्स ऑफ द मास एनक्लोज्ड इन द सरफेस के बराबर होता है। उसके मतलब 4 पाई जी के गुणन कुल द्रव्यमान का 4 पाई जी से गुणनफल के तुल्य होता है। तो अगर हम इसका गॉस का नियम को परिभाषित करना चाहें तो वो कैसे होगा, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल गुरुत्वीय फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल द्रव्यमान तथा -4 पाई जी के गुणनफल के तुल्य होता है। और माइनस साइन चिन्ह जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो आकर्षण बल को इंगित करता है। ये नियम हमारा गाउस का नियम कहलाता है। अच्छा, एक आप लोग जो पेपर सेकंड है उसके अंदर अभी आप डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ चुके होंगे या पढ़ लेंगे। उसके अंतर्गत डाइवर्जेंस थ्योरम एक्चुअल में किस लिए काम में ली जाती है कि वो पृष्ठ समाकल को आयतन समाकलन में रूपांतरित कर देती है। तो अगर हम पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हम डाइवर्जेंस प्रमेय को यूज करते हैं। तो डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार रो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए एस सरफेस इंटीग्रेशन ले ले, वो डाइवर्जेंस प्रमेय के हिसाब से किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ई जी के बराबर होता है। तो अगर हम इसके हिसाब से लिखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाएगा, डाइवर्जेंस डॉट ई जी डी वी बराबर -4 पाई जी रो डी वी हो जाएगा। अगर हम इसको एक ही तरफ ले जाए तो हमारे पास जो इक्वेशन का फॉर्म है वो समीकरण 7 के अनुसार प्राप्त होता है, यानी वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ई जी +4 पाई जी रो डी वी इज इक्वल्स टू 0। ये वी के सभी मानों के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वेशन है, यथार्थ इक्वेशन है। इसलिए हम अगर वॉल्यूम दोनों तरफ अगर हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन को रिमूव करें देन आपके पास इक्वेशन का जो फॉर्म है गाउस के नियम का वो ये इस रूप में आ जाता है, डाइवर्जेंस डॉट ई जी +4 पाई जीरो इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा दूसरा रूप है। अब इसको डाइवर्जेंस को अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो डाइवर्जेंस हमारा क्या होता है, डाइवर्जेंस को आप ओपन कर लो। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओपन करेंगे तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल ई जी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ई जी अपॉन डेल वाई प्लस डेल ई जी अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू -4 पाई जीरो। ये हमारा गाउस का इक्वेशन हो गई, फाइनल इक्वेशन का फॉर्म हमारा ये आता है। अब ये तो हमने किस संदर्भ में करा है, ये हमने जब कोई एक मास एनक्लोज्ड है किसी क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक चीज और अज्यूम कर लेते हैं कि अगर मान लो किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव का मान फाई है, तो हमारे को मालूम है EG को हम लिख सकते हैं, हमने पहले ही डिफाइन किया है, ग्रेड फाई से हम डिफरेंट शो कर सकते हैं, -ग्रेड फाई है ना, तो -ग्रेड फाई से हम उसको शो कर देते हैं, यहाँ पे -ग्रेड फाई लिख देते हैं। तो -ग्रेड फाई लिखेंगे तो ग्रेड को कैसे ब्रेकअप करेंगे, -∂ϕ/∂x(i+∂ϕ/∂y(j) +∂ϕ/∂z) के। अगर इस आधार पर अगर ये मान हम ऊपर ईजी के अंदर रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दो दो फॉर्म आ जाएंगे, ∂∂x(i+∂ϕ/∂x) ये वाला फॉर्म भी आ जाएगा और ये वाला फॉर्म भी आ जाएगा, है ना। तो इन दोनों फॉर्म को अगर हम साथ में लिखें और फाई की टर्म्स में इक्वेशन लिखें तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है ∂2ϕ/∂x² + ∂2ϕ/∂y² + ∂2ϕ/∂z² = 4π g रो। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी फाई के फॉर्म में आ गई है इक्वेशन। तो अब हम इसी इक्वेशन को अगर हम इसको देखें तो इस इक्वेशन को अब हमने जो ऊपर जो गाउस की इक्वेशन थी उसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया, फाई के फॉर्म में लिख लिया।
तो फाइ के फॉर्म में जब इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो ये इक्वेशन का फॉर्म हमारा कहलाता है पॉइजन्स इक्वेशंस। तो हमारे पास दो प्रकार की इक्वेशन आ गई, एक तो गॉसेस इक्वेशन जो समीकरण 9 से दी जाती है, और एक हमारी आ गई समीकरण 12 जो पॉइजन्स इक्वेशन कहलाती है। इनको हम बाकी आगे जाके हम कई जगह पर काफ़ी यूज़ में लेते हैं। अभी हमने इनको वर्कआउट कैसे करते हैं उसके बारे में अध्ययन कर लिया। तो ये इस लेक्चर के साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। अब इस यूनिट के अंदर एक और चैप्टर है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। धन्यवाद।